18 घंटे बाद भी गंगा नदी में डूबे युवक का शव बरामद नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए बेगूसराय मटिहानी पथ को बड़ी एकुगांव स्थित चौक पर सड़क को जाम कर दिया है। गुस्से से आग बबूला गांव वाले सड़क पर टायर जलाकर अपना आक्रोश जता रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 18 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस गंगा नदी में शव ढूंढने में लापरवाही बरत रही है। सड़क जाम होने से सैकड़ों लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। लोग किसी न किसी अधिकारी को कोसते नजर आ रहे थे। आपको बताते चले कि बीते 6 अक्टूबर की शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ी एघु गांव निवासी पप्पू शाह के लगभग 18 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार की उस वक्त मौत हो गई जब वे शुक्रवार की शाम 4 ग्रामीण बच्चों के साथ गंगा स्नान करने गया और उसी दौरान गहरे पानी में जाने से वे डूब गए थे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इकलौते पुत्र के मौत की सूचना देने के बाद भी थाने का दौड़ लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन पुलिस लापरवाही बरत रही है। इसी से नाराज ग्रामीणों ने बेगूसराय मटिहानी पथ को बड़ी एकु गांव स्थित चौक पर जाम कर दिया और जमकर बवाल काटा। किए हैं चाचा, किस मांग को लेकर के? हमको बच्चा चाहिए खोज। अभी जो सड़क पर आए हैं किस लिए? कोई प्रशासन कोई भी साथ नहीं देता है, कहे एप्लीकेशन लिखे भी कोई नहीं आया। बच्चा खोजने के लिए तैयार है, 16 घंटा हो गया है। कल क्या हुआ था? कल धियापुता के जो नहाने गया डूब गया। जाम किए हैं सड़क, इसीलिए जाम किए हैं क्योंकि हमको पोता था वो हमको डूब गया और 10:05 के बाद हम दौड़ रहे हैं, प्रशासन का वो साथ नहीं दे रहा। और अभी दो बार गए तो बोला नहीं सर अब आ रहा है, बहुत देर बैठे तब हम देखे आसाब नहीं होगा, तब हम उसके बाद यहाँ जाम करने के लिए वहाँ से चले आए मटिहानी थाना से। लापरवाही कर रही है, वहाँ दो पुलिस को भेज दिए 3 पुलिस को वो अपनी चौकीदारी करने के लिए। बच्चा हम तो खोजेगा तभी तो कुछ सल्फ होगा, हमको बच्चा खोज रहा है कोई आदमी, वहाँ हमको देख के क्या मिलेगा हमको। हाँ माँ जीतिया कहने था और अभी सड़क पर है, अभी सड़क पर इसीलिए है कि उसको बच्चा मर गया तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किससे मांगेगा, किससे मांगेगा। क्या भाई था मृतक? एक ही भाई। इकलौता भूता गया वो भी। क्या नाम है? भूता गया। क्या बिहार यानी गौरवशाली इतिहास की गाथा। दुख लगता है ना जब सुनते हैं बिहार पिछड़ा राज्य है। प्राचीन ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि पिछड़ क्यों गई? पूर्वज कैसे थे, उनकी दृष्टि कैसी थी जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर अखंड भारत को स्थापित कर सके, विश्वविद्यालय का निर्माण कर सके? कैसे कर सके? क्योंकि सोच बड़ी थी, जातियां तब भी थीं, लेकिन बिहार में जातिवाद हावी नहीं था। रहा होता तो नंदवंश का उदय कभी नहीं होता, सबसे निम्न वर्ग से आते थे। वैशाली में गणतंत्र का उदय कभी नहीं होता, लेकिन यदि हुआ तो सोच बड़ी थी। बिहार को यदि बदलना चाहते हो तो अपने ही पूर्वजों की दृष्टि को धारण करना होगा, चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा, जाति संप्रदाय आदि के नाम पर संघर्ष छोड़कर सहयोग करना होगा। मिलकर जब चलने लगेंगे, शिक्षा समता उद्यमिता के मंत्रों को ग्रहण करते हुए निश्चित बिहार को बदलेंगे। यही है लेट्स इंस्पायर बिहार। छोटे प्रयास करें, मिलकर करें। 7,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी इस यात्रा में शामिल हों, इसको सशक्त करें, अपने बिहार के भविष्य को बदलें। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार।